हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत। आईबीपीएस पीओ 2021 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी ऑब्वियसली मिल चुकी होगी। तो आज के सेशन में इसी का जो डिटेल्ड क्या कुछ चेंजेस लास्ट ईयर से हुए हैं और जो नए बच्चे हैं उनके लिए इस पूरे नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट देखने लायक क्या है, वही सब कुछ है डिस्कस करेंगे। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो आईबीपीएस की ऑफिशियल साइट ही मैंने नोटिफिकेशन की ओपन कर रखी है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं जिनको अपने डिस्कस करने की जरूरत है, तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट सबसे पहले है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होंगी उनका टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ टाइम पीरियड देखें तो इसका टाइम पीरियड आप देखिए 20 से लेके और 10 नवंबर तक, 20 अक्टूबर से 10 मतलब कल से ओपन हो जाएगा और 10 नवंबर तक ये ओपन रहेगा। और यही पेमेंट का शेड्यूल भी रहेगा, पेमेंट का शेड्यूल भी यही रहने वाला है। फिर ये कुछ टेंटेटिव डेट्स आपको दी हुई हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो अगर आप देखें तो ऑनलाइन एग्जाम प्री जो इन्होंने दिया है, प्री का एग्जाम जो दिया है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, 2 दिन टेंटेटिव, आप इसी को कंफर्म मान के चलिए, राइट। और उसके बाद जो मेन एग्जाम है उसकी जो दी है जनवरी 22, राइट। और अलॉटमेंट तो ऑब्वियस है, ये 1 अप्रैल को हो ही जाता है। इसके अलावा जो दूसरी डेट्स हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर अपने देखें तो इसमें इम्पोर्टेंट भी जैसे नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ये सभी के पास होती है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। एज देखिए, एज का जो इन्होंने दिया है बेस डेट 1 अक्टूबर है, 1/10/2021, और 20 से लेके 30 साल 20 to 30 years से एज है। और इसमें जो डेट भी आपको दी है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नोट अर्लियर देन 2 अक्टूबर 1991, तो आपके ये जो डेट है वो इनके बीच में कहीं होनी चाहिए, 2/10/1991 से लेके 1/10/2001 के बीच आपका जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट। अब जो अपर एज में जो रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन हमेशा सिर्फ अपर एज में होता है, तो अपर एज में जो रिलैक्सेशन है वो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए 5 ईयर्स है, अदर बैकवर्ड नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स है, और जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन का भी इसमें आपको दे रखा है। इसके बाद अगर अपने देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें काफी बच्चों की क्वेरी जो रहती है वो रहती है कि भाई कब तक का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होना चाहिए। तो ये इन्होंने दे दिया है कि 10 नवंबर, मतलब जो आपके फॉर्म फिल की लास्ट डेट है 2020, जो आपके फॉर्म फिल की लास्ट डेट है तब तक आपका रिजल्ट ऑफिशियल डिक्लेयर हुआ हुआ होना चाहिए। जब आपके जो भी सर्टिफिकेट इश्यू होगा उस पे जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो 10 नवंबर तक का होना चाहिए, और बिफोर और 10 नवंबर, राइट। इसके अलावा जो इसमें सिंपल है, ग्रेजुएशन की आपको डिग्री चाहिए, परसेंटेज का कोई इसमें राइडर नहीं है, जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने कॉलेज से किया है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ए डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फॉर्म ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्वलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके लिए बस यही है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो उसमें कोई स्ट्रीम है कि पर्टिकुलर में होनी चाहिए, नहीं आपके परसेंटेज का कोई राइट है, राइट। इसके अलावा फिर ये जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए उनके लिए आपको दिया है, जो परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे तो उनको राउंड ऑफ कैसे करें, तो ये इनमें इन्होंने दे दिया है कि विल बी 59.99% बन रही है तो वो 60 हो गया, 54.99 वो 55 हो गया। जिनके सीजीपी है, सीजीपीए का भी इसमें दिया हुआ है कि आपको उसमें क्या फिल करना है। इसके अलावा अगर अपने देखें ये आपका जो रिजर्वेशन डिसेबल कैंडिडेट्स का होता है उनकी पूरी डिटेल दी है भाई, ओसी
का क्या मतलब है, वीआई का क्या मतलब है, कौन कौन इसमें आएंगे, कौन जो आपको सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं वो किस लेवल की अथॉरिटी होनी चाहिए, सभी पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है और कितना परसेंट डिसेबिलिटी इसमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर आपने देखें ये भी डिसेबल का है, डिसेबल। फिर आया है ईडब्ल्यूएस का, इसको लेके भी क्वेरी काफी रहती है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए है, पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशन टू द शेड्यूल कास्ट द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास एंड हुज फैमिली हैज ग्रोस एनुअल इनकम बिलो 8 लाख, 8 लाख से कम होनी चाहिए और दूसरे रिजर्वेशन उसके पास नहीं होने चाहिए, राइट। अगर आपके पास ऑलरेडी ओबीसी है तो फिर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं जाएंगे, ईडब्ल्यूएस में वही बच्चे जाएंगे जो दूसरे किसी भी रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं और उनकी इनकम जो है उसके परिवार की इनकम जो है वो 8 लाख से कम, और दूसरे कुछ और भी राइडर्स हैं जैसे आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो लेस देन 5 एकड़ होनी चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 फुट से कम कम होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्लॉट आपका म्यूनिसिपल एरिया में अदर देन म्यूनिसिपल एरिया, पूरा इसका डिटेल दिया हुआ है, ये भी बताया हुआ है कि फैमिली मीन्स क्या है, सभी कुछ इसके अंदर आपको गिवन है, राइट। और जो ईडब्ल्यूएस की एक जो क्वेरी रहती है ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट कब की भरी होनी चाहिए, तो ये डायरेक्टली आपका इनकम से रिलेटेड होगी, तो इनकम बनती है फाइनेंशियल ईयर की, तो अभी आपको जो जरूरत रहेगी वो रहेगी जो अप टू मार्च, जो मार्च गया है 2021 का जो मार्च गया है और जो पिछले 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2021 पहले अगर मैं देखूं कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो फाइनेंशियल ईयर अभी गई है पीछे मार्च में जो क्लोज हुई है उसके बेस पे बना हुआ होना चाहिए। तो बोले आपका जो भी इस 2021 में अप्रैल एंड ऑनवर्ड का जो भी बना होगा वो वैलिड होगा, अप्रैल एंड ऑनवर्ड 2021 में अप्रैल एंड ऑनवर्ड जो बना होगा वो उसमें वैलिड होगा। फिर देखिए ये कोई प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वगैरह का दे रखा है। फिर अगर आपने देखें कि इसमें जो नए बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं, इसमें आपके 3 लेवल के एग्जाम्स होंगी, सबसे पहले आपकी प्री एग्जाम होगी ऑनलाइन, ऑब्जेक्टिव पेपर है पूरा प्रीलिम्स का, 3 पेपर इसमें होते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। अभी स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 20 मिनट्स उसके लिए असाइंड होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स उसके लिए भी, और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स, टोटल 1 घंटे का पेपर हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। और इसमें इंग्लिश का जो पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, उसके अलावा जो होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। इसके अलावा अगर आप देखें 3 टेस्ट, इसमें एक चीज और देख लीजिए, इन ईच ऑफ 3 मतलब इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा, सेक्शनल टाइम होने के बावजूद भी सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS। सेक्शनल कट ऑफ वही पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, लेकिन हर पेपर में वो कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी, और फिर अल्टीमेटली आपको भी जैसे ये जितनी भी पोस्ट है उससे 10 टाइम्स इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए, तो उन 10 टाइम्स में भी आपको आना है मेरिट में और साथ ही सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी। फिर वो बच्चे आएंगे मेंस के लिए, मेंस के एग्जाम में क्या है, मेंस में भी आपके देखिए रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, इसका भी मीडियम है इंग्लिश हिंदी बोथ होगा और 60 मिनट्स इसके लिए आपको असाइंड होगा। फिर जीए जो है जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस का जो पार्ट है इसमें 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी बोथ, और इसमें 35 मिनट्स आपको मिलेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके 35 क्वेश्चन और 40 मार्क्स, राइट। और इंग्लिश लैंग्वेज ये तो ऑब्वियस है, इसका मीडियम सिर्फ इंग्लिश पेपर का रहेगा, 40 मिनट्स इसको मिलेंगे आपको। और डीआई का जो पेपर है उसमें 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ और 45 मिनट्स इसके लिए टाइम, टोटल ये आपका 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 3 घंटे का टाइम, बट सेक्शनल टाइम है, राइट। इसके बाद एक आपका ओपन होगा
ये इंग्लिश लैंग्वेज का जिसमें एक लेटर और एक ऐसे आएगा, वो दो क्वेश्चन आपको बनाने हैं और उसके लिए 25 मार्क्स है, एक 10 मार्क्स का, एक 15 मार्क्स का है, लेटर 10 का है, ऐसे 15 का है, ओबियस इंग्लिश ही है इसमें। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ और इसके 30 मिनट्स आपको असाइंड किए जाएंगे, राइट। अब इसके अंदर भी आप अगर देखेंगे तो सेक्शनल कट ऑफ इसमें भी है और सेक्शनल कट ऑफ जो बच्चा इनके इंडिविजुअल की क्लियर करेगा सबकी, उसी का फिर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो चेक होगा। फिर इस पूरे में ये जो आपके 25 मार्क्स ये 225 मार्क्स की फिर एक मेरिट बनेगी और उसमें जितनी भी पोस्ट है उससे 3 times ये कॉल करेंगे तो उसमें भी आपको आना होगा। लेकिन सेक्शनल कट ऑफ यहाँ भी है, इनकी आपके ऑब्जेक्टिव की भी है और डिस्क्रिप्टिव की भी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके बाद जो बच्चे मेंस भी जिन्होंने क्रैक किया उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, देन इंटरव्यू और जरूरत पड़ी जीडी या सिर्फ इंटरव्यू वो आपका होगा। वो आपके 100 मार्क्स का इंटरव्यू जैसे आपको दिया हुआ है इन्होंने, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स का दिया स्कोर और एक इसमें कट ऑफ स्क्वायर, एक ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे उसमें उन्होंने दिया कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम, प्लस सेक्शनल कट ऑफ इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट का भी है एंड ऑल्सो ए मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसिडर टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू और फिर उनकी मेरिट बनेगी, राइट। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू prior to the completion of the interview process, scores obtained in the main exam will not be shared with the cheek. Marks obtained in the online main examination only will be considered for shortlist for interview and also for final merit listing, right? So, jo main exam aapka jo bhi objective or descriptive 225 ka jo hai, सिर्फ वही जो प्री है वो एब्सोल्युटली क्वालिफाइंग है, वहां सिर्फ आपको क्वालिफाई करना, वो मार्क्स कैरी नहीं होंगे। मेन एग्जाम में जो आपके 225 का 25 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ, 200 का ऑब्जेक्टिव हुआ, वो पूरे 225 मार्क्स जो है वो फाइनल सिलेक्शन तक चले, भाई वो आपका एक तो वेटेज हुआ, उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू में कॉल किया और इंटरव्यू में कॉल करने के बाद भी इंटरव्यू 100 मार्क्स का हुआ, 225 का ये हुआ और फिर इंटरव्यू और आपका जो ऑनलाइन है इनका 80-20 के रेशियो में इनका वेटेज हुआ, ये भी अभी अपने देखेंगे। साथ ही इसमें इंटरव्यू में भी मिनिमम जो है वो देखिए 40% आपके जनरल कैंडिडेट को और 35 एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिनिमम यहां भी कट ऑफ है लाने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस को इसमें छूट नहीं लग रही है, आई थिंक ईडब्ल्यूएस और जनरल दोनों को 40% लाने पड़ेंगे और जो दूसरी कैटेगरीज है उनको 35% लाने पड़ेंगे। वेटेज ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू विल बी 80-20 रेस्पेक्टिवली, राइट। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा लेकिन उसको फिर 20 मार्क्स पे ले जाएंगे, 100 को 20 पे ले जाएंगे और जो 225 225 मार्क्स के आपका मेन एग्जाम हुआ उसको 80 मार्क्स पे लेके चले जाएंगे और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखी है ये, और जब भी आप फॉर्म फिल करें, बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है, फॉर्म फिल करें उसकी कॉपी वगैरह रखते रहें, जो भी आपके पास कोई भी कॉल लेटर आता है उनकी भी सबकी कॉपीज इनटेक जरूर रखें। और इसके अलावा अगर आप देखें प्रोविजनल अलॉटमेंट अकॉर्डिंगली फिर आपका हो जाएगा जो भी मेरिट में रहेंगे। अब इसमें वैकेंसीज का दिया होगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड, तो ये इन्हीं का आपके डॉक्यूमेंट्स का ही पूरा दिया हुआ है, क्या कुछ आपको चाहिएगा, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, पूरा आपको इसमें दे रखा है, राइट। अब अगर अपने देखें कि वैकेंसीज का क्या स्टेटस था, तो वैकेंसीज अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो ये साल काफी अच्छा है, वे लास्ट ईयर इनिशियली आपको शायद 1700 वैकेंसीज ही डिक्लेयर उन्होंने की थी, जबकि अब की बार इन्होंने इनिशियली 4135 वैकेंसीज इनिशियली की हैं और इसके अंदर भी
आप देखें भाई बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो है, हो सकता है स्टेटस इसका चेंज ना हो, लेकिन इंडियन बैंक और पीएनबी दो बड़े बैंक हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज इनमें होती है, इन्होंने रिपोर्ट अभी तक नहीं की है, तो इसमें अच्छा खासा एनहेंसमेंट होने की उम्मीद है, दूसरों में भी एनहेंसमेंट हो सकता है। तो ये जो 4150 135 आप देख रहे हैं, ये वैकेंसीज काफी इससे बढ़ जाएंगे, राइट। लास्ट ईयर तो इनिशियली सिर्फ 1710 वैकेंसीज थी, 1710 वैकेंसीज ही डिक्लेयर हुई थी, तो अपना 100% दीजिए और सिलेक्शन इंश्योर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाला जो साल है उसमें आपके ये सभी फॉर्म्स वगैरह और वो सभी सेल्फ डिक्लेरेशन और ये सब दिया हुआ है इसमें, तो कहीं से भी किसी को भी कुछ भी आपको पूछने की जरूरत, इतना डिटेल है ये नोटिफिकेशन आपका, इसमें हर चीज आपको मिल जाए। फिर भी आपके मन में किसी भी चीज को लेके कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप इसी भेज सकते हैं, इससे कमेंट सेक्शन में इसी पे कमेंट कर दें, या अपना जो ऑफिशियल मेल है साइट वर्चुअस का उस पे भी आप सेंड करेंगे तो आपको रिप्लाई वहां से भी मिलेगा। अच्छी खबर थी, और कुछ नए बच्चे हैं उनके मन में कुछ चीजों को लेके क्वेरी होती, क्योंकि आईबीपीएस का हर एग्जाम का लेवल टाइप एक जैसा कुछ चीजों में नहीं होता है। जैसे इसमें आप देखिए सेक्शनल टाइम है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज है, प्री में भी मेंस में भी, ये जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए अभी आज के सेशन में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।